और इस वक्त की बड़ी खबर धमतरी से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, धमतरी जिले से इस वक्त की बड़ी खबर, नगरी वन परिक्षेत्र में मिला तेंदुए का शव। आपको बता दें, धमतरी से बड़ी खबर, जहां नगरी वन परिक्षेत्र में तेंदुए का शव मिला है। वन विभाग के अनुसार दो शावकों में आपसी संघर्ष हुई थी। धमतरी में वन परिक्षेत्र में तेंदुए का शव मिला है। संघर्ष में एक शावक की मौत हो गई है। आपको बता दें, दो शावकों की आपसी संघर्ष में एक शावक की मौत हो गई है। मौके पर वन अमला मौजूद है। आपको बता दें, धमतरी से बड़ी खबर, जहां तेंदुए की मौत हो गई है। नगरी वन परिक्षेत्र में तेंदुए का शव मिला है। आपको बता दें कि दो शावकों के बीच संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में एक शावक की मौत हो गई है। वन विभाग के अनुसार दो शावकों में संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष में एक शावक की मौत हो गई है। धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां संघर्ष करते हुए एक शावक की मौत हो गई है और वन अमला मौके पर मौजूद है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता डोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी डोमन, बताएं कि धमतरी में तेंदुए का शव मिला है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी, धमतरी जिले के नगरी वन परिक्षेत्र के दलदली जंगल की घटना है, जहां मृत अवस्था में एक तेंदुए का शव मिला है। और वही वन विभाग की माने तो दो शावक बीती रात में हुई थी आपसी संघर्ष, और संघर्ष में एक शावक की मौत भी हो गई है। नगरी वन परिक्षेत्र के दलदली जंगल की घटना है और मौके पर वन अमला भी मौजूद है। जी जी डोमन, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और ये बड़ी खबर धमतरी से, जहां एक शावक की मौत हो गई है, दो शावकों के बीच आपसी संघर्ष में एक शावक की मौत हो गई है और वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है।